गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं निषेचन, का अध्ययन करेंगे। निषेचन या फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मींस और डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का अर्थ या परिभाषा। सेकंड है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। थर्ड है स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पद या निषेचन के चरण। और लास्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्रक्रिया इसका क्या महत्व है। ये कुछ टॉपिक हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है निषेचन का अर्थ व परिभाषा, मीन्स और डेफिनेशन और फर्टिलाइजेशन। दूसरा, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, निषेचन प्रक्रिया के चरण। थर्ड, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। और लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्रक्रिया का क्या महत्व है। देखो, फर्स्ट टॉपिक अगर हम लें इसमें, डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन है उसका अर्थ क्या है, यानी उसकी परिभाषा, हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखो, प्रीवियस जो चैप्टर अपन ने लिया था, या प्रीवियस वीडियो गेमेटोजेनेसिस से संबंधित थे, युग्मक जनन से, उनमें दो उसके मुख्य सम टाइप पढ़े थे। फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, सुकर जनन, जो कि मेल हुमन के टेस्टिस में संपन्न होता है। दूसरा जो उसका टाइप्स पढ़ा था, वो ऊजेनेसिस, अंड जनन, वो फीमेल हुमन में संपन्न होता है, उसके भी ओवेरी में। उस बेस पर अगर हम देखें तो फर्स्ट मेल हुमन, नर मनुष्य। सेकंड हम लें फीमेल हुमन, मादा मनुष्य। मेल हुमन में मुख्य जो जनन अंग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो टेस्टिस होता है। मादा मनुष्य में मुख्य जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, ओवेरी होता है। दोनों इसमें भी एक जोड़ी होते हैं, नर मनुष्य में टेस्टिस, मादा मनुष्य में भी ओवेरी एक जोड़ी होते हैं। ये डिटेल में हम जनन तंत्र के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर इनमें स्थिति की बात करें तो ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है, एक निश्चित एज के पश्चात ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो भी हॉर्मोन के इफेक्ट से। ऊजेनेसिस में, ऊजेनेसिस ओवेरी में संपन्न होता है, अंडाशय में संपन्न होता है। इसके फलस्वरूप जो संरचनाएं बनेंगी वो मेच्योर मेल गैमेट, या इसको हम बोलते हैं स्पर्म शुक्राणु, इसमें जो संरचना बनेगी वो मेच्योर फीमेल गैमेट या ओवम, अंडाणु, दोनों हेप्लोइड संरचनाएं हैं। अगर दोनों में हम सिमिलरिटीज देखें कि समानता क्या है, ये भी हेप्लोइड है, ये भी हेप्लोइड है, एगुणित है, एगुणित है, एन 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 से दर्शाते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस हम देखें, प्रीवियस वीडियो में भी लिया अपन ने, ये शेप में स्पून शेप होते हैं, चम्मच आकार के ये हैं, मोस्टली राउंड शेप होते हैं। ये वाले हैं लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि इनको आगे मोटिलिटी दर्शाती, ये हेवी होते हैं क्योंकि इनमें योग कंटेंट होता है। ये वाले मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें टेल या फ्लेजिला उपस्थित है, ये टेल है या फ्लेजिला उपस्थित है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। इनमें ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें कोई गमन संरचनाएँ नहीं पाई जाती हैं।
दोनों जैसे यदि अनुकूल प्रसृति दोनों को मिलती है, दोनों ही फेवरेबल कंडीशन में फ्यूज होकर एन और एन एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना एन और एन को बोलेंगे 2N, और जो संरचना बनेगी वो है जाइगोट। युग्मनज, युग्म है, दोनों के युग्म आने से बन रही है ये, पेड़ अवस्था में आने से, इसलिए युग्मनज। इसी संरचना को हम बोलते हैं या इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन भी बोल देते हैं इसे, और साइन और सिनगेमी। ये जो प्रक्रिया है इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो इसको परिभाषा के रूप में हम लिखें, यह इसकी सामान्य परिभाषा क्या है कि अनुकूल प्रसृति में फेवरेबल कंडीशन में परिपक्व नर युग्मक यानी शुक्राणु व परिपक्व मादा युग्मक का परस्पर संलयित होना निषेचन कहलाता है। देखो वंस अगेन, इन फेवरेबल कंडीशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट विच प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अनुकूल प्रसृति में परिपक्व नर व मादा युग्मक का परस्पर संलयित होना निषेचन कहलाता है, सिनगेमी कहलाता है या फ्यूजन कहलाता है। दूसरा देखो, इसको अगर हम डेफिनेशन में लें, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन अनुकूल प्रसृति में नर व मादा युग्मकों का फ्यूजन होना वो निषेचन कहलाता है। ये तो है इसका सामान्य अर्थ या इसकी परिभाषा। देखो दूसरा अगर हम इसमें लें, कुछ स्पेसिफिक टर्म और दे रखें इसमें या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में। फर्स्ट है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। सेकंड है एम्फीमिक्सिस, पहले वाले टर्म में अगर हम देखें कैरियो शब्द काम में लेते हैं न्यूक्लियस के लिए, कैरियन शब्द से बना है। अगर इसका हम सामान्य अर्थ देखें, इट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। देखो इसको अगर हम प्रीवियस आरेख में देखें, ये न्यूक्लियाई है मेल गेमिट का, ये फीमेल गेमिट का न्यूक्लियाई है। इन दोनों के फ्यूज होने को ही केवल मेल गेमिट के न्यूक्लियाई को और फीमेल गेमिट के न्यूक्लियाई के फ्यूज होने को कैरियोगेमी कहते हैं। अब दूसरा ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियाई में जेनेटिक मैटर उपस्थित होता है, क्रोमेटिन या डीएनए या क्रोमोजोम हम बोल सकते हैं, उन क्रोमोजोम के मिक्सर को हम बोलेंगे फिर एम्फीमिक्सिस। एम्फी का अर्थ होता है बोथ, मिक्सिस का अर्थ होता है मिक्सर, बोथ मिक्सर। तो ये आ जाएगा इट इज द मिक्सर ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, इट मीन्स कलर, इट मीन्स बॉडी, कलर बॉडी ऑफ सेल। कोशिका में उपस्थित रंगीन काय को क्रोमोजोम कहते हैं, डिटेल में अपन ने 11th में पढ़ा था। स्वस्थ मनुष्य में प्रत्येक सेल में सामान्यतः 46 होते हैं, परंतु नर व मादा युग्मक में गेमिट्स में ये हेप्लोइड होते हैं, 23 होते हैं। इट इज द मिक्सर ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ टू गेमिट्स। क्रोमोजोम के दो सेट्स के मिक्सर जो कि दो गेमिटों के हों उन्हें भी एम्फीमिक्सिस कहते हैं।
ये दूसरी स्पेसिफिक टर्म था। अब देखो ये प्रक्रिया जो अभी ली है अपन ने, एम्फीमिक्सिस, फ्यूजन या सिनगेमी, ये प्रोसेस संपन्न कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स निषेचन, इट मीन्स फ्यूजन, और सिनगेमी कंप्लीटेड इन एम्पुला पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये इसको बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नली का। ये ध्यान रखना आपको, फेलोपियन ट्यूब क्या, ओविडक्ट क्या है, सहायक जनन अंग है मादा मनुष्य का, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको अंडवाहिनी बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं फेलोपियन नली का, नली का नुमा है इसको। अगर हम देखें अंडवाहिनी, अंडाणु का वहन करने वाली, इसकी तीन पार्ट होते हैं मादा मनुष्य में, जो कि उसका एक पार्ट है एम्पूला। अगर हम एनसीईआरटी हम देखें, 12th की एनसीईआरटी में देखें, तो निषेचन प्रक्रिया सामान्यतः एम्पुला व इस्तमस के संधि स्थल पर संपन्न होती है। इस्तमस भी क्या है, ओविडक्ट का पार्ट ही है, परंतु आरबीएससी 12th की बुक के अनुसार अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया एम्पुला भाग में संपन्न होती है, जो कि किसका पार्ट है, ओविडक्ट का पार्ट है। तो ये नर मनुष्य, वो मनुष्य में ये प्रक्रिया यानी निषेचन प्रक्रिया एम्पुला भाग में संपन्न होती है, ये ध्यान कर लेना। नर मनुष्य का पार्ट नहीं है, मादा मनुष्य के पार्ट है ओविडक्ट, उसका पार्ट है, यानी एम्पुला भाग में संपन्न होगी। दूसरा अगर हम देखें इसमें कि सेकंड जो टॉपिक है इसका, वो है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रक्रिया है एम्पुला भाग में संपन्न होती है, इसके टाइप्स कितने हैं, कितने चरणों में ये अभिक्रिया संपन्न होगी या ये क्रिया संपन्न होगी, ये आगे वाले टॉपिक में लेंगे, परंतु इसमें जो इसके टाइप्स हैं वो टाइप्स हैं दो, यानी कंप्लीटेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट अगर हम देखें इंटरनल, आंतरिक निषेचन कहेंगे, सेकंड को कहेंगे एक्सटर्नल। देखो फर्स्ट है इंटरनल, फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे आंतरिक निषेचन। सेकंड को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको बोलेंगे बाह्य निषेचन। ये वाले दोनों निषेचन के टाइप्स हैं। देखो अगर हम इसका अर्थ लिया था अभी, परिभाषा, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, नर व मादा युग्मकों के फ्यूजन को बोलते हैं, और यदि नर व मादा युग्मकों का फ्यूजन जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है, आंतरिक अर्थ अंदर, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अंदर भी कहाँ संपन्न होगा, मादा मनुष्य के ओविडक्ट के एम्पुला भाग में संपन्न होगा। यहाँ निषेचन का अर्थ क्या है, वही परिपक्व नर व मादा युग्मकों के फ्यूजन को, और यदि फ्यूजन कहाँ हो, जीव शरीर से बाहर, और जीव शरीर से बाहर भी सामान्यतः अनुकूल परिस्थिति में होगा, यह प्रोसेस भी अनुकूल परिस्थिति में होता है, और अनुकूल परिस्थिति में कहाँ होगा, जल में सामान्यतः संपन्न होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। देखो वंस अगेन, निषेचन परिपक्व नर व मादा युग्मकों के फ्यूजन को निषेचन कहते हैं, और यदि परिपक्व नर व मादा युग्मकों का फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन में जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है, इंटरनल का अर्थ है आंतरिक अर्थ है इन, उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। जैसे मनुष्य इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य, मेमल्स में यही स्थिति है। यहाँ अगर हम देखें परिपक्व नर व मादा युग्मकों का फ्यूजन, और यदि फ्यूजन जीव शरीर से बाहर है और बाहर भी अनुकूल परिस्थिति में यदि जल में संपन्न होता है सामान्यतः, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो यहाँ अंदर संपन्न हो रहा है जीव शरीर के, यहाँ जीव शरीर के बाहर संपन्न हो रहा है। तो ये जो दोनों टाइप्स लिए, इनका जो आधार हो सकता है वो आधार है साइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट,
स्थल के आधार पर कि फ्यूजन होने का, संलयित होने का स्थल कहाँ है, जीव शरीर के अंदर है बाहर है, उस बेस पर ये दो टाइप्स हैं। देखो फर्स्ट इसमें अगर हम देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो अगर इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड ऑर्गेनिज्म बॉडी, इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। देखो इसको तो कहेंगे आंतरिक निषेचन, इसका अर्थ है जीव शरीर के अंदर, इसका अर्थ है परिपक्व नर व मादा युग्मक, परिपक्व नर व मादा युग्मक, ये बोल सकते हैं मेच्योर। कहाँ? जीव शरीर के अंदर। इसमें एग्जांपल है फुम्मन, मनुष्य में, होमोसेपियंस में, या मनुष्य को क्लास मेमेलिया में इंक्लूड किया गया तो मेमल्स में ये हिस्सा है। इसके अलावा क्लास एवीज में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्लास रेप्टिलिया में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। देखो इसमें हम देखें परिभाषा के रूप में इसे लिखें, फ्यूजन ऑफ मैच्योर मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड ऑर्गेनिज्म बॉडी लाइक इन वाटर, यानी फेवरेबल कंडीशन में होगा। देखो सलियन होना, परिपक्व नर परिपक्व मादा युग्मक, जीव शरीर से बाहर, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्स्ट है फ्रॉग, मेंढक, क्लास एम्फीबिया का जीव है, क्लास एम्फीबिया के जीवों को बोलते हैं एम्फीबियन, दोहरा जीवन रखते हैं। दूसरा अगर हम देखें स्टार फिश, तारा मछली, फाल्स फिश है, वास्तविक मछली नहीं है क्योंकि वास्तविक मछलियाँ रखी गई हैं सुपर क्लास स्पीसीज में, ये है फॉल्स फिश, फाइलम इकाइनोड्रमेटा में इसे रखा गया है, तो ये है इकाइनोड्रमेट्स, इकाइनोड्रमेट्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ ट्रू फिशेज भी हैं लाइक लेबियो, तो ये एग्जांपल हैं मुख्य हैं बाह्य निषेचन के। फ्रॉग में सामान्यतः किस प्रकार का या बाह्य निषेचन दर्शाने वाले किन्हीं दो जीवों के नाम लिखी है, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉग अच्छा एग्जाम्पल है, क्लास एम्फीबिया में रखा गया या इंक्लूड किया गया इसलिए एम्फीबियन कहते हैं इसे। ये दोनों इसके सामान्य अर्थ हैं, ले दोनों फेवरेबल कंडीशन में होंगे, बट ये जीव शरीर के अंदर ये जीव शरीर से बाहर, दोनों में ही फ्यूजन होगा, दोनों में ही जो संरचना बनेगी वो संरचना है जाइगोट, ये वाली संरचना बनेगी दोनों में, जाइगोट का निर्माण होगा, दोनों में युग्मनज का निर्माण होगा, एक में युग्मनज बाहर जल में बनेगा जीव शरीर से बाहर, एक में युग्मनज का निर्माण ओविडक्ट में ही होगा क्योंकि निषेचन प्रक्रिया ओविडक्ट के पार टेम्पुला में ही संपन्न होती है। ये दूसरा इसका जो टॉपिक था। तीसरा अगर हम इसका पार्ट लें वो है इसके स्टेप्स, ये प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। तीसरा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये तीसरा टॉपिक है इसका, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
निषेचन प्रक्रिया के चरण, चार चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम डिटेल में देखें तो मुख्यतः पांच चरण होते हैं, परंतु 12th आरबीएससी बुक के अनुसार मुख्यतः इस चार चरण ही होते हैं, जो कि निम्न है। पहला अगर हम चरण देखें तो वह है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ये पहला स्टेप है। सेकंड है एंट्री ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का प्रवेश, या ये बोल सकते हैं शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तीसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन, वलकुटी क्रियाएं या वलकुटी अभिक्रियाएं। चौथा है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, प्राकेंद्रकों का संलयन। ये मुख्यतः चार स्टेप्स हैं। फर्स्ट शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, सेकंड एंट्री ऑफ स्पर्म शुक्राणु का प्रवेश, तीसरा कॉर्टिकल रिएक्शन वलकुटी अभिक्रियाएं, चौथा है प्राकेंद्रों का संलयन फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। कहने का अर्थ है निषेचन प्रक्रिया मनुष्य में चार चरणों में संपन्न होगी, जिसमें फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, फर्स्ट अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। एक तो ये बोल सकते हैं सिंपल अर्थ में, इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्रक्रिया का ये प्रथम चरण है। अब देखो इस चरण में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं या कैसे संपन्न होता है, इसको अगर हम देखें, ड्यूरिंग कपलेशन, एटीओएन का अर्थ यहाँ है प्रोसेस प्रक्रिया, इस शब्द का अर्थ है, ये शब्द है कपल, कपल अपोजिट सेक्स के लिए वर्ड काम में लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल। ड्यूरिंग कपलेशन मेल वुमन रिलीज सीमन, एक प्रकार का तरल होता है जो कि नर मनुष्य द्वारा सिंगल टाइम 3 से 5 ml मुक्त किया जाता है, जिसमें स्पर्म होते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। इन यूट्रस कैनाल ऑफ वेजाइना, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं इसे, यह है गर्भाशय नाल की कपलेशन प्रक्रिया के दौरान नर मनुष्य द्वारा मादा मनुष्य के वेजाइना के इनसाइड यूट्रस कैनाल में सीमन, यानी एक विशेष प्रकार का तरल जिसकी मात्रा होती है 3 से 5 ml, मुक्त किया जाता है। देखो आगे, लगभग इस तरल में कितने शुक्राणु होते हैं, प्रीवियस जो वीडियो में हमने देखा था कि 200 से 300 मिलियन होते हैं, अगर इस निषेचन के चैप्टर में हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो ये लगभग में 200, 300 या 400 ml शुक्राणु एक बार में नर मनुष्य द्वारा मुक्त किए जाते हैं। इन मेल वुमन सीमन अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन स्पर्म बट फाइनली ओनली 100 स्पर्म, यानी 400 मिलियन मुक्त किए जाते हैं, उनमें से 100 शुक्राणु ही अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। रीच इन फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट,
इस दौरान यानी अंडवाहिनी तक केवल 100 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। कितने में से? 400 मिलियन में से, या लगभग 400 मिलियन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी ये जो लगभग डेड कर दिए जाते हैं या डेड हो जाते हैं, मोस्टली स्पर्म्स आर बिकम डेड बिकॉज, अगर हम इसमें देखें कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज बर्थ कैनाल मीडिया इज एसिडिक सो इन एसिडिक मीडिया, बर्थ कैनाल जन्म नाल भी बोल सकते हैं इसे, उसका माध्यम अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण शुक्राणुओं को प्रतिकूल प्रसृति मिलती है, अनुकूल प्रसृति नहीं मिलती है, अनफेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती है, जिसके कारण ये डेड हो जाते हैं। सो इन एसिडिक मीडिया स्पर्म टू गेट अनफेवरेबल कंडीशन, पहला प्रतिकूल प्रसतियां इसके कारण, दूसरा जो दे रखा है एपिथीलियल सेल्स उपकला कोशिकाएं होती हैं किसकी, वेजाइना की, आर फेगोसाइटिक इन नेचर, बक्सानुसन होती हैं या बक्सानुसन प्रकृति की होती हैं, फेगोसाइटिक इन नेचर। सो दीज सेल या सेल्स फेगोज स्पर्म, सो ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी, उपकला कोशिकाएं, ये शुक्राणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो इन दो कारणों की वजह से 400 मिलियन या 300 मिलियन शुक्राणुओं में से 100 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। एसिडिक मीडिया के कारण डेड हो जाते हैं, या वेजाइना की एपिथेलियल सेल फेगोसाइटोसिक नेचर की होती है, भक्षणोषण प्रकृति की होती है, उसके कारण भी ये इनका भक्षण कर लिया जाता है। ये जो बिंदु हम सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में आएगा आपके, वहाँ WBC वाइट ब्लड कार्पल्स पढ़ेंगे, उसके भी दो टाइप्स पढ़ेंगे, ग्रेनुलोसाइट नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उसके तीन टाइप्स आएंगे आपके, उसमें है आपका एक तो है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईएसएनओफिल्स। नॉन ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स व लिम्फोसाइट्स आएंगे। इनमें मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल्स इसी नेचर के होते हैं, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। यहाँ इस चैप्टर में भी आपके दे रखा है, किया जाए कि मानव में किस ऑर्गन की कोशिकाएं फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, और भी हैं उसमें। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो वेजाइना की एपिथीलियल सेल होती हैं, कार्य क्या करें, किसका फेगोज करती हैं, किसका भक्षण करती हैं, स्पर्म का करती हैं। करने के कारण क्या होगा कि लगभग 100 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। कहां तक पहुंच पाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में या उसके पार्ट एम्पुला, जहां दोनों फ्यूज होंगे, परिपक्व नर व मादा युग्मक दोनों फ्यूज होंगे वहां। अभी ये ध्यान करना, जैसे ही 100 शुक्राणु यहाँ पहुँच पाते हैं, वो शुक्राणु एक विशेष प्रकार की गति के कारण ऐसा होता है, इनमें टेल भी होता है यानी फ्लेजिला भी है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, परंतु जैसे ही ओव्यूलेशन प्रोसेस द्वारा अंडोसरक, पिछले वाले में आया आपके आर्तव चक्र के 14वें दिन ये प्रक्रिया संपन्न होती है, LH हॉर्मोन के प्रभाव से परिपक्वन जो ग्राफीन पुट्टिका है उससे सेकेंडरी उस साइट का मुक्त होना, वो ओव्यूलेशन कहलाता है। कि मादा मनुष्य में अनुकूल प्रसृति में आर्तव चक्र के 14वें दिन परिपक्व ग्राफन पुट्टिका के भ्रष्ट होने से LH हार्मोन के प्रभाव से सेकेंडरी ओसाइट का मुक्त होना ओव्यूलेशन कहलाता है। जैसे ये प्रक्रिया संपन्न होगी उसके पश्चात वहाँ यदि अनुकूल प्रसृति मिलती है तो ये फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया आगे संपन्न होगी, सेकेंडरी ओसाइट भी आगे उसमें चेंज होगा, ओवम में कन्वर्ट होगा या विभाजन दर्शाकर मेच्योर ओवम में परिवर्तित होता है। इस दौरान जैसे ही ओवम अब ओविडक्ट में है, जैसे ही ओविडक्ट में है और
ओवम निर्माण की प्रक्रिया भी इस स्पर्म के पहुंचने से होती है। स्पर्म के स्टिमुलेशन से ही सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकेंड या सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन दर्शाता है। जैसे ही डिवीजन दर्शा रहा है मेच्योर ओवम बन रहा है, उस समय फेलोपियन ट्यूब में भी कुछ विशेष प्रकार की कर्माकुंचन गतियां संपन्न होती हैं एक निश्चित क्रम में, उसको कर्माकुंचन गतियां बोलते हैं। उन कर्माकुंचन गतियों के कारण ही शुक्राणु अंडाणु तक एज सुन एज यानी शीघ्रता से पहुंच पाते हैं। तो ये ध्यान कर लेना कि मानव में कर्माकुंचन गतियां कहां संपन्न होती हैं। एलिमेंट्री केनाल में भी हम पढ़ेंगे, आर नाल में भी, ओविडक्ट में भी संपन्न होती हैं। जैसे ओविडक्ट में संपन्न होंगी, किस रूप में होती हैं, एक निश्चित क्रम में होती हैं, निरंतर उनमें संकुचन होता है, इसलिए कर्माकुंचन एक निश्चित क्रम में संकुचन होने से स्पर्म ओवम तक शीघ्रता से पहुँच जाते हैं या एज सुन एज पहुँच जाते हैं। ये जैसे ही पहुंच रहे हैं तो उस सेमिनल फ्लूड में इनकी जो पर मिनट वो डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूरी सामान्यतः ये तय करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 से 4 mm पर मिनट शुक्राणु ये डिस्टेंस कवर करते हैं एक मिनट में, 1 से 4 mm डिस्टेंस कवर करते हैं, मिलीमीटर बोल सकते हैं हम इसे, इतनी डिस्टेंस एक मिनट में कवर करते हैं। किसके कारण होती है डिस्टेंस, कर्माकुंचन गतियाँ कहाँ होती हैं, ओविडक्ट में संपन्न होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। उस फर्स्ट स्टेप में अगर हम एक छोटा सा पार्ट और देखें इसका, कैपिस्टिएशन इसी का पार्ट है, योग्य दार्जन, अच्छा बिंदु है ये भी, कैपिस्टिएशन योग्य दार्जन, दो शब्द है इसमें, योग्यता अर्जित करना, कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है तो शुक्राणु द्वारा अंडाणु को निषेचित करने के लिए योग्यता अर्जित करता है। अर्जित कौन कर रहा है, शुक्राणु कर रहा है। उस अर्जित करने की क्षमता को ही कैपेसिटेशन बोलते हैं। स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 घंटे लगते हैं, या ये बोल सकते हैं दूसरे अर्थ में, ए फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के कार्य की परिपक्वन को, यानी आगे जो कार्य होगा फ्यूजन का, उसके लिए उसका परिपक्वन होना, वो भी क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। तो हिंदी में बोलेंगे योग्यतार्जन, योग्यता अर्जित करना, कौन करेगा, शुक्राणु अर्जित करेगा, किसके लिए, अंडाणु को निषेचित करने के लिए। कितना समय लगता है, लगभग 5 से 6 घंटे। तो इस चैप्टर में कुछ आपके ये टर्म्स दे रखी हैं, आंकड़े दे रखे हैं, जैसे शुक्राणु द्वारा तय की गई गति, कितने शुक्राणु पहुंचते हैं, कितने मुक्त होते हैं, सेमिनल फ्लूड की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ भी ये ध्यान में रखना है। देखो अगर हम इसको लें, इट इज ए एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बाय विच द स्पर्म अटेन्स एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम ऑफ इट्स फीमेल, योग्यता अर्जित करना, शुक्राणु सक्रिय होकर क्या करिए, निषेचन के लिए किसको, स्वयं के अंडाणु को या उसी जाति के अंडाणु को, या ये बोल सकते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड कैपिस्टिएशन। ये फर्स्ट स्टेप है, योग्यता अर्जन कहेंगे। सेकंड जो चरण है वो है आपका एंट्री ऑफ स्पर्म, ये नेक्स्ट डे के टॉपिक में हम लेंगे। थैंक्स।